काम नहीं करते मनमोहन सिंह जी, जो काम उन्होंने करके दिखा दिया है 10 साल में वो कोई भी पीएम नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो जी ये उनकी सोचते ही है कि उनका कभी आज जो उनको सम्मान मिला है वो देश के आज तक किसी पीएम को सम्मान नहीं मिला है, और अमेरिका ने जो उनको सलाया है वो आज तक किसी पीएम को। प्रधानमंत्री जी की बेटी ने 3 करोड़ रुपए का आरोप लगाया दलजीत सिंह के पार्टी में शामिल, क्या है पूरा मामला? ये बिल्कुल गलत आरोप है, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे की कोई लेन देन की कोई बात हमने ना कही है ना हमें पता है। हमें तो ये कल शाम को पता चला था कि ये हरकत हो गई है, क्योंकि बहुत दुखदायी हरकत है। उन्होंने क्या सोच के ये हरकत की है दलजीत सिंह जी ने, ये वही बता सकते हैं, क्योंकि देखो इससे ना ही हमारे परिवार में कोई फर्क पड़ेगा, हमारा पूरा परिवार बाकी का सरदार सुरजीत सिंह कोहली और जो भी जितनी बहनें हैं पीएम साहब की, सारी पीएम साहब के साथ हैं, और उन्होंने ये जो हरकत की है वो वही बता सकते हैं। लेकिन ये बहुत गलत हरकत की है, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी उनको, कि परिवार तो छोड़ के जाने की उनको कोई तकलीफ ही नहीं थी पीएम साहब की तरफ से, और ना ही कोई ऐसी बात थी, और इससे ना ही कोई कांग्रेस को नुकसान होगा और ना ही कोई भाजपा को फायदा होगा। इस पूरे प्रकरण में देश की राजनीति पे क्या उथल पुथल मचेगी और परिणाम पे क्या मेरे ख्याल से इसका कोई असर नहीं होगा, इससे कोई असर नहीं होगा, इसका उल्टा ही मैसेज आएगा कि ये देखो भाजपा किस हरकत तक गलत काम कर सकती है। क्या भाजपा ने जबरदस्ती उन्हें शामिल किया है अपने दल में? ये देखो ये हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि इसके बारे में ना कोई नॉलेज थी हमें, शाम तक भी नहीं पता था। लेकिन ये जो हरकत बहुत गलत हरकत की है कि एक अच्छे भाई को उन्होंने तोड़ दिया है, और पीएम साहब का पर्सनली उनसे अच्छा प्यार था, हमारी फैमिली में पूरा अच्छा प्यार था, अब वो क्या सोच के भाजपा में गए हैं ये अभी हम बैठेंगे आपस में मीटिंग करके फिर ही पता चलेगा कि किस सोच से वो गए। किस तरह सपोर्ट करेंगे आप उनका, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए? हम उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। परिवार को किस तरह से, परिवार को क्या सदमा लगा इस तरह से कि भाई परिवार के सदस्य क्या प्रतिक्रिया है? बहुत 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 तकड़ा सदमा लग रहा है, ये बहुत तकड़ा सदमा लगा है परिवार को, कि परिवार बहुत अच्छा परिवार था, पीएम साहब 4 भाई हैं और 6 बहनें हैं, और बहुत बड़ा परिवार है हमारा, और ये परिवार आज तक मिसाल है कि 10 साल पीएम साहब बने रहे हैं, कि हमारे परिवार पे आज तक कोई किसी ने कोई वो ऐसी बयानबाजी या कोई ऐसी पॉलिटिकल लेवल की बात नहीं की है और ना ही हम करते हैं। बाकी हम शुरू से ही पीएम साहब के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, और हम मरते दम तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। उन्होंने जो हरकत कर दी है वो क्या सोच के की है ये अब उसका वही बता सकते हैं। आपको बहुत बड़ा दुख हुआ है इस बात आपकी बातचीत नहीं, मेरी बातचीत नहीं हो पाई अभी, क्योंकि मैं खुद बाहर हूँ अमृतसर से, कल पहुंचूंगा फिर बात होगी। लेकिन उनको भी बहुत बड़ा दुख लगा है, हमें परिवार को दुख लगा है तो उनको भी तो दुख लगेगा ही इस बात का। जी की जाने भाजपा में जाने कोई षड्यंत्र मानते हैं कि भाजपा का कोई षड्यंत्र हो सकता है? हो सकता है, अब ये पॉलिटिकल गेम है, सारी पॉलिटिकल गेम में आदमी किस हद तक गिर सकता है ये आप जानते ही हैं सारे। बाकी मेरा कोई इतना पॉलिटिकल लेवल तो है नहीं, ना ही हम इतने कोई बयानबाजी करते हैं, हम तो उनके भतीजे हैं। आज तक उन्होंने हमें एक ही सीख दी है कि मेरी जो पद है, मेरी जो इज्जत है वो परिवार ने बना के रखनी है, और हमने आज तक उनकी इज्जत को कोई भी दाग नहीं लगाया कि हमारा पीएम चाचा जी पीएम है, तो हम नजायज़ किसी को ना आज तक तंग किया है, ना हमने आज तक कोई इसका पॉलिटिकल लेवल का फ़ायदा लिया है। सिंपल व्यापारी हैं और सिंपल ही व्यापारी रहेंगे हम। 3 करोड़ का लेन देन का बात कर रहे हैं कि पैसे लेके गए वो अखबार की है, अखबार की खबर है, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। अमृतसर में किस तरह का माहौल है दलजीत सिंह जी के भाजपा में जाने से? देखो जी अमृतसर में कोई नुकसान नहीं होगा, अमृतसर में इस समय कैप्टन साहब की वेव बनी हुई है और कैप्टन साहब की जीत पक्की है, और इसी वेव को देखते हुए भाजपा ने ये चाल चली है कि इससे शायद कोई वेव को नुकसान होगा, लेकिन ये उनकी गलत सोच है। दलजीत सिंह के जाने से ना कोई कांग्रेस को नुकसान होगा, ना ही इसका कोई भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि दलजीत सिंह जी का कोई पॉलिटिकल लेवल नहीं है, ये तो एक खाली एक सार्वजनिक मीडिया में करने के लिए कि हमने भाई को अपने साथ ले लिया, ये हरकत ऐसी की गई है। बाकी ये
जो हरकत की गई है बहुत गलत हरकत की है, हम पूरा परिवार इसका विरोध करते हैं और हम पूरा परिवार दलजीत सिंह से नहीं नाता रखेंगे। इसके बारे में मेरे को नहीं पता है, ना मैंने न्यूज़ पढ़ी है ना पता है। आपका नाम बता दे। मेरा नाम मनदीप सिंह कोहली है, मैं पीएम साहब के छोटे भाई सरदार सुरेंद्र सिंह कोहली का बेटा हूँ, वो हमारे ताऊ जी हैं पीएम साहब और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया हैं। उनके जो काम है बस कांग्रेस पार्टी उजागर नहीं कर पाई, अगर वो उजागर कर देती जो काम उन्होंने किए तो इसका कांग्रेस को बहुत बेनिफिट मिलता, इसका बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आते। पर फिर भी आज भी जो वेव है वो वेव खाली वेव ही है और वो वेव बन के रह जाएगी और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी सेंटर में, आप ये देख लीजिएगा 16 मई को पता लग जाएगा।